नमस्कार, स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं बिहार डेलीगेशन से चंदन। आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको इस बार में आस्था है तो आप सकता नहीं कि आप यंगा के घाट पर या यमुना के घाट पर। अभी फिलहाल मैं भिवारी, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे बिहारी कम्युनिटी ने काफी ज्यादा अरेंजमेंट किया, अच्छा करीब 300 से लेकर 400 गज का प्लॉट है वहीं पे। इतनी अच्छे अरेंजमेंट है जिसकी मैं वीडियो, 1000 गज के आसपास मान लीजिए, तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट किया इन्होंने, वो पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग को यहाँ के जो व्यवस्थापक जिन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट किया उनसे सीधे आपको बात कराता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर आप नाम बताएंगे प्लीज? सर आप बेसिकली बिहार से ही बिलोंग कर रहे होंगे? बिहार से। तो इस बार आपने ऐसा क्यों विचार किया, गांव नहीं जा पाए? हमारे हर साल कराते हैं, हम यहीं पर रहते हैं, हर साल कराते हैं। आप लगभग मतलब आप लास्ट टाइम आपको याद है आप कब गए थे बिहार से? बहुत पहले गए थे। देखिए ये काफी समय से ही राजस्थान में किसी काम की वजह से हो सकता है अपना प्रदेश नहीं लौट पा रहे, लेकिन अपने जो इस वन में संस्कृति है और कल्चर है उसको लगातार बनाए रखे और इन तमाम व्यवस्थाओं को आगे बनाते हुए इन्होंने पूरी तरह से सुचारू ढंग से छठ का आयोजन भिवाई राजस्थान में किया। इनको ये आइडिया कैसे आया, इनमें इस अरेंजमेंट के पीछे इनको किस तरह की दिक्कत आई, सारी बातें ये खुद ही बताएंगे आपको। हम तो 90 से यहाँ पर हैं, 90 से ही हम छोटा मोटा प्रोग्राम करते करते अभी यहाँ पर हम जो है करीबन इस प्रोग्राम को 10 साल से यहाँ कर रहे हैं। तो आप लोगों को इनका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अपनी संस्कृति और कल्चर बचाने के लिए ये 10 सालों से लगातार प्रयत्नशील है। तो और भी कुछ सदस्य, मैं उनसे भी आपका बात करा देता हूँ और उनका भी विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, जरूरी नहीं है अपने घर पे जाके सारे प्रोग्राम करना चाहिए। आप जहाँ पे हो वहीं की संस्कृति में, वहाँ पे आप अपनी संस्कृति मत बोलो, उसके हिसाब से आप अपना प्रोग्राम वहाँ भी कर सकते हैं। नमस्कार। इनका कहना है कि आप कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी संस्कृति कल्चर के लिए प्रयास करते रहिए। आपकी जड़ें जमी होनी चाहिए क्योंकि आपकी जो जड़ें होती है वो आपकी संस्कृति होती है, संस्कृति आपकी पहचान होती है। तो और भी कुछ सदस्य कुछ अगर अपने विचार हमारे चैनल पर रखना चाहे तो उनका स्वागत है। हमें नमस्कार, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं यहाँ पे काफी टाइम से रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस संस्कृति को नहीं भूलना चाहता। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हमेशा अपने जो भी भाई यहाँ पे हैं वो आए, बिहार से रहने वाले हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, जो इस छठ को मानते हैं उस चीज को कंटिन्यू करते रहे। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सब एकजुट होकर ऐसे त्योहार को मनाते हैं। जब हम पूरे यहाँ हजारों की संख्या में बिहार भाई एकत्रित होते हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है। इस चीज को हम फैलाना चाहते हैं और जहाँ भी है, जिस विश्व के किसी भी कोने में है, हम अगर इस संस्कृति को भूलना नहीं चाहते हैं, इसको और जागरूक करना चाहते हैं, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें आपस की सहमति बनानी पड़ेगी, तभी आगे कुछ कर सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि सबसे बड़ी चीज है एकजुटता है, वो फर्क नहीं पड़ता कि आप राज्य के कौन से कोने में है, आप बस अपनी संस्कृति अपने कल्चर के प्रति प्रतिबद्ध है, आप अगर आप एकजुट है तो काफी बड़ी बात है। तो और भी काफी सारे मित्र हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे छठ मैया की। एक बार प्रेम से बोलिए छठ मैया की। तो भाई साहब दिखाना चाहते हैं। और भी नमस्कार सर। स्वागत। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, मैं अजय कुमार सिंह बिहार आरा के रहने वाला हूँ। हम ये श्रद्धा पूर्वक से यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं। ये सदियों से, आज से नहीं सदियों से, छठ व्रत बहुत धार्मिक और अच्छा त्योहार है। इसको हम लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। पूरी भारत वर्ष का उत्सव और उल्लास का पर्व है। आपको एक खास बात आपको बता दूं,
अगर आप बिहार के किसी जिले में अगर आप छठ मनाने जाते हैं, जैसे कि आप वैशाली मनाए, पटना मनाते, बक्सर मनाते, आरा मनाते, छपरा मनाते, तो आपको छठ घाट पे सिर्फ एक ही जिले के लोग मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मात्र छोटी जगह पे अगर आपको 50 से 60 लोग मिलेंगे तो उसमें हर लगभग हर जिले के लोग मिल जाएंगे। ये खासियत है, ये एक प्रमाण है एकता का। आपको सर फील तो होता होगा बिहार में जाके छठ मनाने के? नहीं, ये तो फील होता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, यहाँ भी अपने स्टेट के, अपने देश के हर भाई बंधु, भाई बहन, माता सब लोग अपना खुशी से त्योहार मनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10 साल से ऊपर हो गया मेरे को मनाते हुए। पीयूष गोयल जी को भी सोचना चाहिए, हालांकि उन्होंने इस पर रेलवे के काफी सारे, उनका वैसे तो हर साल ही रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट होता है कि काफी सारे ट्रेन सीटें बढ़ाई जाती है, फिर भी व्यवस्था मैंने देखा, कई सारे और भी यूट्यूब चैनल वो दिखा रहे थे किस तरह से नहीं, रेलवे स्टेशन से बिहार जाने में दिक्कत हो रही, लोग काफी मारा मारी करके जा रहे थे। खैर वो सब बीत गई बात, अब त्योहार काफी ज्यादा बढ़िया से मन रहा है। आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ करीब 6 बजे के आसपास, और थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है, तो मैं वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इन सभी को पूजा में जाना है। तो आप लोग दोबारा मैं छठ की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा, और साथ ही एक जोरदार जयकारा लगाने के लिए कहूंगा अपने सारे दर्शकों को, तो एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। हमारे साथ कैमरा पे सपोर्ट कर रहे थे अंकुर जी, जो कि यहीं आसपास के निवासी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।